करियर एक्सपीरियंस देखें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ जी जी ओके सर, मेरा वो सही है। ओके ओके हो गया सर, ओके हो गया। ओके करियर एक्सपीरियंस, थैंक यू फैसल। करियर एक्सपीरियंस जो है, जिस टाइम अच्छा मैंने क्वेश्चन पूछा था, इजाज़ यू हैव कितना एक्सपीरियंस है अपना? 21 ईयर। और आपका जी? 7 ईयर। वकील 1 ईयर। आप देख रहे हैं 21 ईयर माशाल्लाह, नजर वैसे आप नहीं है एजाज, मेरा ख्याल आपको यहाँ पे हयात वगैरह पीते हैं क्या करते हैं? अच्छा है नहीं। करियर एक्सपीरियंस चैलेंजिंग असाइनमेंट्स। देखिए जी, अपने करियर में आप लोगों ने, चाहे वो 1 हो या 5 हो या मोर देन 5, 10 ईयर, चैलेंजिंग असाइनमेंट्स लिए होंगे, मुश्किल आसान। शुरू में तो आपको इजी इजी असाइनमेंट्स दी जाएंगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चैलेंजिंग, मुश्किल, एट टाइम्स यू वर्क अंडर प्रेशर, हाँ प्रेशर, स्ट्रेस में बंदा आ जाता है, क्योंकि टारगेट अचीव करना होता है, टाइम कम होता है, और उसमें आपको अपने करियर का भी खौफ होता है, और दूसरा आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन एस्टीम के लिए आप लड़ते हो। चैलेंजिंग असाइनमेंट, मेंटोरिंग, ये भी आपकी करियर एक्सपीरियंस में हुई होगी, अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद नोवल्टी। अब ये कह रहे कि जी करियर एक्सपीरियंस, मैंने पहले क्या कहा था कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज और ये दूसरी आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज, ये बढ़ती है करियर एक्सपीरियंस। आर यू गेटिंग मी? और इस करियर एक्सपीरियंस में क्या ऐसा कमाल है? तो ये कमालात, ट्रेनिंग भी आपने हासिल की होगी, एक्सपीरियंस भी होगा, लर्निंग भी होगी, इंट्रैक्शन भी होगा, चैलेंजिंग असाइनमेंट्स भी होंगी, तो तभी आपका ये आपके करियर एक्सपीरियंसेस के नतीजे में आपकी एबिलिटीज बढ़ गई। अच्छा, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, देखिए जी सर, डिस्प्ले नहीं हो रहा, सर डिस्प्ले नहीं आ रहा। ओके ओके, अब हो गया जी? बिल्कुल जी, थैंक यू। ओके, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस में क्या होता है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स आउटसाइड ऑफ लीडर्स कंट्रोल। जब मैं कहता हूं एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि वो फैक्टर्स जो कि लीडरशिप, लीडर्स के हाथ से बाहर के फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स इन अ लीडर सिचुएशन दैट लाई आउटसाइड ऑफ द लीडर्स कॉम्पिटेंसीज, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सपीरियंसेस, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, सबऑर्डिनेट स्किल्स एंड डिग्रीज। देखिए जी, क्या? हाँ, गुड गुड, जबरदस्त जबरदस्त। मेन चीज ये है, ये इसने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की, बाकी तो मैं आपकी बात से एग्री हूं, सिर्फ उस पर रोशनी डालूंगा। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं लीडरशिप के आउटकम्स को, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज को और उसकी पर्सनल एट्रीब्यूट्स को। एनवायरमेंट में क्या आता है? एनवायरमेंट में टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट में लॉ ऑफ द लैंड आ गया, एनवायरमेंट में लेजिस्लेशन, एनवायरमेंट में आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक सिचुएशन, ये तमाम चीजें तो हैं, लेकिन ज्यादा फोर्स में अगर ऑर्गेनाइजेशनल की पर्सपेक्टिव से देखो ना, तो आप देख लें दुनिया में चेंजेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, और ये मतलब तमाम चीजें हाई टेक स्पेशली, हाँ, और मतलब ये कि यस, आजकल कोविड आप देख लेना, मेडिकल एक पेंडेमिक से बढ़ के इसने इकॉनमी को हिट किया। मेरा ख्याल नहीं था कि जितने भी पहले पेंडेमिक्स आए तो उन्होंने इकॉनमी को इतना सीवियरली खराब किया, डीलिंग भी होती सब चीज, लेकिन इसने स्पेसिफिकली हर चीज पे, और ये क्यों? ये एक चैलेंज था लीडरशिप के लिए। आप देख रहे हैं ना, फिजिकल से ज्यादा जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस, अच्छे लीडर, वो सारे ऑनलाइन पे चले गए कंप्लीट, लेकिन फिर भी डायमेंशन तो चेंज होगी ना, एक, 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 ये तो इसके इख्तियार में नहीं है ना। अब देखिए, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, सबऑर्डिनेट स्किल्स एंड इन एडुकेशन, गुड,
आपने 5 सालों में, 4 सालों में या 2 सालों के अंदर एक टेक्नोलॉजी आ गई, टाइपराइटर से इलेक्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर से मतलब ये किस तरह ऑनलाइन, लेट सपोज हाँ, या ऑनलाइन सिर्फ ये जूम का वो नहीं है, मतलब मैं बड़े लेवल पे बात करूंगा, तो अब हाँ ऐसा ही है, ट्रू। अब देखिए जी, या मतलब ये कि ये तो एक चीज हो गई ना, मोड ऑफ कम्युनिकेशन की बात हो गई। जब मैं प्रोडक्शन की बात करता हूँ, या मतलब ये सर्विसेज की बात करता हूँ, या मतलब ये कि ऑर्गेनाइजेशंस के बिजनेस की बात करता हूँ, तो टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट उनकी मशीनों, उनके प्रोडक्ट्स, उनके डिजाइन, उनके मतलब ये कि प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, तमाम चीजों पर इफेक्ट होता है। अब अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज, जहाँ पे ह्यूमन कैपिटल का लेवल जो है, वहां पे ह्यूमन जो स्किल्स हैं वो काफी एडवांस हैं। इवन मैं उसने एक लिस्ट देख रहा था अजरबैजान की, अजरबैजान में ह्यूमन कैपिटल हमसे वहां पे 70% इंडेक्स है, और हमारा मतलब ये कि 35, 25, 40 इस तरह, बिलो 50 हमारा इंडेक्स चल रहा है ह्यूमन कैपिटल का। तो आप देख रहे हैं ना, अब मेन चीज ये है कि हमने टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया, या ऑर्गेनाइजेशंस ने। अब इन्होंने क्या कि जी सबर्डिनेट स्किल्स इन एडिक्वेसीज, ये इसकी बात ही करा कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो उन्होंने स्किल्स देना चाहिए था। ये आपकी बात सही है, वो मैं एग्री हूँ, स्किल से ही आप उसको अपडेट कर सकते हो, लेकिन ये कहना कि ऐसा एक चैलेंज आ जाए कि अचानक टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तो सबॉर्डिनेट्स के स्किल्स इररेलेवेंट हो जाते हैं। आप देखें, सियालकोट में ब्लैक एंड व्हाइट किस्म का बॉल बनता था, अभी तक क्या 1998 तक वर्ल्ड कप में भी व्हाइट एंड ब्लैक, 1998 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें ब्लैक एंड व्हाइट फुटबॉल यूज हुआ, लेकिन आजकल जो फुटबॉल, फिर उसके बाद क्या हुआ, सियालकोट के जो फुटबॉल थे उनकी डिमांड कम हो गई, और एक खास किस्म का, उसे क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा सा नाम होता है आजकल, पाकिस्तान बनाता है दुनिया का 60% 65% जो फुटबॉल्स हैं वो पाकिस्तान भिजवाता है फीफा, और उसका नाम क्या होता है, बजूका, जो एग्जैक्टली उसी से तो काम खराब हुआ ना, मतलब ये रूमर्स का ये न्यूज भी मैंने सुनी थी कि 1998 के वर्ल्ड कप का जो फुटबॉल था वो मेड इन पाकिस्तान था, लेकिन फिर लोगों ने बाद में फिर पता चला किस तरह नहीं है। एनीवे, लेकिन पाकिस्तान फुटबॉल की इंडस्ट्री में स्पेशलाइज था, चाइल्ड लेबर से और उससे यूरोपियन कमीशन उन चीजों ने उस पर पाबंदी लगाई, लेकिन फिर टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आ गया बॉल के बनाने में, और ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला बॉल पाकिस्तान से लोगों ने नहीं खरीदा, फिर उन्होंने अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ आल्दो जल्दी अपडेट किया, बड़ी अच्छी हाई इंडस्ट्री थी, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स थे, जल्दी अपने आप को, अभी पाकिस्तान ये बजूका फुटबॉल्स नहीं होते, इस फुटबॉल का नाम है बजूका, ये पिंक और रेड कलर का जो भी है, ये अब सारा पाकिस्तान बनाता है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि मैनेजर्स या लीडर्स के हाथ में नहीं होते, आउट ऑफ कंट्रोल। एनीवे, ये कुछ उसके स्ट्रेंथ्स हैं कि जी कंसेप्चुअलाइज है स्ट्रक्चर प्रोसेस, और इसके स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरीके से कंसेप्चुअलाइज करता है, बताता है, एक्सप्लेन करता है। ये डिस्क्राइब लीडरशिप इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, लीडर को स्किल्स के मायनों में बताता है कि जी ये स्किल्स जो हैं सबके लिए अवेलेबल हो सकते हैं, और ये एक बहुत ब्रॉड पिक्चर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है। ये कुछ उसके स्ट्रेंथ्स है ना, बाकी तो ये मॉडल हम समझ गए थोड़ा सा ब्रीफली इसके ऊपर। प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर कंसिस्टेंट विद लीडरशिप, बड़ा अपीलिंग है, अच्छा है। आप इस पर सोच सकते हैं कि हाँ जी वाकई एक लीडर के लिए इन 3 कैटेगरीज में स्किल्स जरूरी हैं। क्रिटिसिज्म इसके ऊपर है कि जी स्किल्स अपीयर्स टू एक्सटेंड बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ लीडरशिप। जिस तरह एजाज के जहन में कंफ्यूजन एक बात आ गई ना कि जी यार ये लीडर पर ये तीनों जरूरी है एक लीडर के लिए कि तीनों नहीं जरूरी, अगर तीनों जरूरी हैं तो हाउ ए सीईओ कैन बी अ गुड कंप्यूटर ऑपरेटर, और मतलब ये हैवी मशीनरी जो ऑपरेशन कर सकता है वो, एक मैनेजर ऑपरेशन तो सारा दिन दफ्तर में बैठा होता है, तो फिर उसको तो जरूरी है कि इफ ही बिकम ए गुड लीडर तो उसके साथ ये टेक्निकल जनरेटर चलाने का स्किल भी हो। एनीवेज, तरह स्किल मॉडल इज बीन इन प्रेडिक्टिव वैल्यू, मतलब ये कि फ्यूचर के लिए बताना या उस तरीके से फोरकास्टिंग करना या इसके ऊपर मतलब बताना कि अच्छा लीडर कौन कौन से स्किल्स का हामी होगा, तो मतलब ये कहते हैं क्या गुड, ये कहता है कि इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये था, क्रिटिसिज्म इसके हाँ हाँ
अच्छा गुड, ये उस सेंस की बात नहीं कर, मैं बेहतरीन बात आपने की, ये उस सेंस की बात कर रहा है, ओवरऑल इस मॉडल के ऊपर ये बात कर रहा है, ओवरऑल इस मॉडल की वीकनेसेस या क्रिटिसिज्म इसके ऊपर ये कह रहा है कि जी इसमें इतना प्रेडिक्टिव वैल्यू से मुराद ये नहीं है कि कंसेप्चुअल स्किल्स उसकी हैं या नहीं है जो हमने बात की, बल्कि एज अ होल इस मॉडल की बात कर रहा है कि ये इतना इतना एक्सपेंडेड या इतना रैशनल किस्म का नहीं है कि ये तमाम चीजों को कैप्चर कर सके, प्रेडिक्ट कर सके, मतलब उस तरह की प्रेडिक्शन नहीं फोरकास्टिंग, बल्कि उस तरह की प्रेडिक्शन कि जी किस कैसे होनी चाहिए या कैसे चला के जाएगा। और स्किल्स मॉडल इज पार्शियली ट्रेड ड्रिवन, ये जिस तरह है ना, इसमें अगर हम इन इन चीजों से हट के बात करें तो इस स्किल्स थोड़ा सा कन्फाइंड हो गया है, ये मॉडल कन्फाइंड मीन्स लिमिटेड कर दिया है कि एक लीडर है उसके लिए तीन स्किल जरूरी होने चाहिए, टॉप लीडर के लिए कंसेप्चुअल, मिडिल लेवल के लिए टेक्निकल और ह्यूमन, और लोअर लेवल के लिए टेक्निकल। लेकिन इसके ऊपर जिस तरह हमने बात की ना, आजकल के टाइम में एक लीडर के लिए भी जरूरी है कि वो काफी हद तक टेक्निकल स्किल्स यूटिलाइज कर सके, वरना कोविड में अगर एक बंदा सिर्फ कहता है कि मैं थिंकिंग कर सकता हूँ, मैं टेक्नोलॉजी जूम, बड़ा टेक्निकल चीज है, कितनी टेक्निकल चीज है, हमें अभी इजी लग रही है बिकॉज वी आर ट्रेन, वी आर स्पेशलाइज्ड। तो फिर इन बातों से ये कहता है कि इस मॉडल की ऑथेंटिसिटी और कंप्लीशन परफेक्शन पे क्वेश्चन, तो उसके लिए फिर नए नए मॉडल्स दरियाफ्त हुए। अच्छा, एप्लीकेशन, द स्किल्स अप्रोच प्रोवाइड्स अ वे टू डिफाइन द स्किल्स ऑफ ए लीडर, ये अप्लाई ठीक है ऑर्गेनाइजेशंस में, आजकल भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और इवन एडवांस कंट्रीज जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसमें भी इन चीजों के अभी भी एप्लीकेशन है कि ये लीडर्स पे अप्लाई होता है कि जी लेवल ऑफ लीडर, लेवल ऑफ स्किल, एंड इट इज एप्लीकेबल टू लीडर्स एट ऑल लेवल विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशंस में हर लेवल के एम्प्लॉयज और क्या कहते हैं, हर लेवल के लीडरशिप पे अप्लाई होता है। तो जी इसके साथ लेक्चर खत्म हुआ, यू हैव एनी क्वेश्चंस तो प्लीज फोरम में जी इजाज़। ठीक है ना, तो गुड, कैसे ओवरऑल लीडरशिप पे कर, हाँ नहीं 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 देखें अच्छी बात है Definitely. अच्छा एक चीज मैं और भी ऐड करूं, गुड, बेसिकली हम इसको हम तो इसको डील रिलेट कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बिकॉज वी आर बिजनेस स्टूडेंट्स, और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये हमने आगे चल के लीडरशिप को एक्सरसाइज करना है, किसी गांव या किसी आम इलाके में नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस में ही इसको अप्लाई करना है, नो डाउट। तो लेकिन लीडरशिप का अगर मैं ब्रॉड थोड़ा सा इससे ऊपर भी बात करूं तो लीडरशिप में तीन चीजें हैं, फॉलोअर्स या हर जगह पे आपके साथ होते हैं, इससे हटके गोल हर जगह पे, मोटिवेशन वो मांगते हैं किसी भी जगह पे क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स हैं, यू आर द लीडर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। और तीसरी चीज क्या है, आप उनको एक न्यू रियलिटी, एक नई जगह पे, एक नया विजन जब देते हो तो ये हर जगह पे इसी तरह, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे, हाँ मोडेलिटीज इसमें चेंज हो जाती है लेकिन कॉन्सेप्ट्स वही हैं। वेस्ट की दुनिया में यही लीडरशिप विद मोर और लेस एग्जांपल्स और इस तरीके से ये आपको हर जगह पे यही कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं, लीडरशिप हार्वर्ड MIT, लेकिन डेफिनेटली हम जो पढ़ रहे हैं इट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस, कॉर्पोरेट सेक्टर्स, ठीक है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वाह ट्रू एग्जी आप देख रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज और भी ऐड कर दूं, सबसे पहले आया था ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फिर 80s के बाद आया, 80s 85 में जब पहली मरतबा पेशावर यूनिवर्सिटी ने ऑफर किया था ना वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गोमल यूनिवर्सिटी ने पेशावर में, तो और दुनिया में, लेकिन ये है कि फिर उसके साथ साथ ये इवॉल्व हुआ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें मैं इस बात से एग्री हूं कि एक पोलिटिकल एजाज, एक पॉलिटिशियन या एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पार्टी को अपने विम्स, अपनी थिंकिंग, अपनी पर्सनल लाइकनेस डिसलाइकनेस पे पार्टी को नहीं चलाना और मुल्क को लीड नहीं करना, ही मस्ट नो हाउ टू लीड, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू प्लान, हाउ टू मोटिवेट, मेरी बात आप समझ रहे हो, और जो इस तरह कर लेता है हमें अपीलिंग लगता है, वी फॉलो हिम और हर, ठीक है ना। तो एनीवे गुड,
लेकिन जो एजाज का मतलब था ना, ये इसने इस सेंस में कहा कि जी क्या ये लीडरशिप हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस को रन करना, उसको समझना और उसके पर्सपेक्टिव से, तो यस, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी आम लेवल पे भी पढ़ाई जाती है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफरेंसेस होती हैं, लेकिन अपने अपने एग्जांपल्स और अपने अपने थ्योरीज के साथ रिलेट कर। अच्छा एक सेकंड, मैं आप सबको मेरी मेरी आवाज भी आ रही है और आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं आप लोगों का? सर आवाज आ रही है लेकिन एक मसला है। हाँ हाँ, जो ये बात कर रहे हैं हमारे दोस्त सर, ये हमें समझ नहीं आ रही ना, हमें सुनाई दे रहा है सर। अच्छा खैर, इसने ये तो ठीक है, इनका क्वेश्चन है वो हमें समझ। मैं बताता हूँ, एजाज ने ये क्वेश्चन पूछा था, वो अपने साथ खैर आप सुन ले। एजाज एक स्टूडेंट है हमारा, आपका सीआर, उसने ये क्वेश्चन पूछा था कि जी ये लीडरशिप जो हम पढ़ रहे हैं, ये आया ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड है कि ये कोई आप बाहर की दुनिया के जनरल लीडरशिप बता रहे हैं लोगों को मोटिवेट करना? जी सर। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड है, कॉर्पोरेट सेक्टर से, और उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक तो ये सवाल क्वेश्चन आंसर हुआ। दूसरा, जो हमारे दूसरे स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि और जगहों पे भी लीडर्स पढ़ाई जाती है लेकिन वो फिर अपने थ्योरीज और अपने तरीके से। एनीवे ठीक है। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चंस? ठीक है जी, कोई क्वेश्चंस है आप लोगों का? तो फोरम इज ओपन फॉर यू सर। हाँ जी सर, हमें कोर्स कंटेंट वगैरह चाहिए होगा, ये हमें कहाँ से मिल सकता है सर? ये आपको तमाम ग्रुप्स को, जो आपके दो ग्रुप्स हैं ना ए और बी, उनको मैं वकील को और एजाज को, जो आपके सीआर हैं रिस्पेक्टिव, उनको मैं ईमेल कर दूंगा लीडरशिप का भी इंशाल्लाह मंडे तक, और क्या कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का भी इंशाल्लाह मंडे तक, मैं आप दोनों को ईमेल कर दूंगा एंड दे विल शेयर इट विद यू। ओके सर, ठीक है जी। और सर वो दूसरी क्लास कब स्टार्ट होगी सर, सेकंड क्लास? उसकी एंटरप्रेन्योरशिप की वो 12:30 12:30 इंशाल्लाह। ओके थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम।